हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले भाई सैमसंग गैलेक्सी A55 के बारे में। अभी हाल ही में लॉन्च किया है सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी A55। तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है और आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो भाई इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो 6.6 इंच की यहाँ पर आपको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। तो भाई डिस्प्ले में तो भाई सैमसंग ऑलमोस्ट विनर होता है हर बार, तो डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। नो डाउट भाई डिस्प्ले इसकी आप ले सकते हो। इसमें भाई जो सबसे बुरी बात मुझे सैमसंग की लगती है हर स्मार्टफोन में, वो है भाई इसका जो बैटरी और इसका चार्जिंग डिपार्टमेंट है। बैटरी भाई 5000 mAh की दी है, काफ़ी सही बात है, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ चार्जिंग स्पीड की, सिर्फ 25 वाट की दी है भाई। अभी भी ये इंक्रीज़ नहीं कर रहे यार, पिछले 2 साल से इन्होंने 25 वाट पर अटका रखा है। तो भाई सैमसंग वालों थोड़ा इंक्रीज़ करो यार बैटरी वोल्टेज को, ताकि भाई हम भी थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी चार्ज कर सके। तो नो डाउट भाई बैटरी काफ़ी सही है, 5000 mAh की देखने को मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये टाइम यहाँ पर निकाल कर दे देगी। इसमें भाई प्रोसेसर की बात करते हैं जो मेन होता है किसी भी स्मार्टफोन का, इसमें आपको इस बात दिया गया भाई एक्जिनॉस 1480 1480 यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी नया प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है। देखिए भाई हीट तो करेगा जब इसमें आप गेमिंग करोगे काफ़ी एक्सटेंसिवली, काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करोगे भाई हीट ये डेफिनेटली करेगा यहाँ पर। तो आपको ध्यान देना है भाई, प्रॉपर गेमिंग फ़ोन जो ए सीरीज़ है भाई होती नहीं है, ओनली ये एवरेज यूजर्स के लिए होती है जिनको ज़्यादा गेमिंग नहीं करती। इस साल भी भाई सैमसंग का जो ए सीरीज़ के स्मार्टफोन थे सबसे ज़्यादा बिके थे, क्योंकि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में बिकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं इस फ़ोन के सैमसंग के। ओके, इसमें अगर कैमरा डिपार्टमेंट की दोस्तों मैं बात करूँ तो कैमरा काफ़ी सही देखने को मिलता है इस बार। इसमें आपको मेन कैमरा भाई 50 MP का देखने को मिल रहा है, 5 MP का मैक्रो है और 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी इस बार अपग्रेड है, और साथ ही साथ जो 32 MP की सेल्फी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो नो डाउट भाई कैमरा डिपार्टमेंट में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है सैमसंग की ओर से। तो डेफिनेटली अगर आपके पास सैमसंग A35 सीरीज़ है तो इसे आप अपग्रेड ईजिली कर सकते हो। इसमें भाई अगर मैं बात करूँ कुछ और यहाँ पर वेरिएंट्स की इसके, तो इसमें आपको 8GB 12GB दो रैम देखने को मिल जाती है। तो दो रैम ऑप्शन है, तो आप किसी में भी चूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल से 8GB इनफ है, जब आप गेमिंग नहीं करोगे तो भाई आपके लिए 8GB यहाँ पर इनफ रहने वाला है, तो 12GB में जाने की आपको वैसे ही कोई ज़रूरत है नहीं है। इसमें भाई कलर की बात करूँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स दिए गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर है, प्रीमियम फील देता है भाई। बैक इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, ऑलमोस्ट S23 सीरीज से इंस्पायर ये फ़ोन है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्तों इसका आपको डिज़ाइन भी देखने को मिल रहा है। पहली बार भाई किसी गैलेक्सी ए सीरीज़ में आपको एल्यूमिनियम की बॉडी देखने को मिल रही है, बॉडी इन दी सेंस भाई जो एडिज है इसकी वो एल्यूमिनियम फ्रेम आपको देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है वो भी। इसमें भाई फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, और भाई एल्युमिनियम फ्रेम आपको इसमें देखने को मिलती है, और बैक में भी भाई आपको इसमें ग्लास ही देखने को मिल रहा है। तो ये भी भाई आपको ध्यान रखना है कि बैक में ग्लास इसलिए आपको भाई यहाँ पर यूज़ कर लेनी है कवर, अदरवाइज टूटेगा तो भाई काफ़ी महंगा पड़ता है वो भी। इसमें भाई आपको सुपर एमोलेड 120Hz की HDR10+ वाली 1000 nits की यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो भाई काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है इस बार, काफ़ी अपग्रेड किया गया है डिस्प्ले में भी। आपको 1000 nits की यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो मैं इसका जल्द ही कैमरा टेस्ट लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने ये ऑर्डर कर दिया है तो जल्दी मेरे पास ये आ जाएगा। भाई आपको एंड्रॉइड 14 के साथ One UI 6.1 भी देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी सही बात है वो भी। बाकी भाई बात करें कैमरा के फीचर्स की, तो इसमें आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS में, कोई भी 60 की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है। इसका कैमरा टेस्ट भी जल्दी कर दूंगा मैं, तो उसके लिए बस आप 1-2 दिन का वेट करिए, जल्दी मेरे पास ये स्मार्टफोन आ जाएगा। इसमें आप भाई 1080p पे 60 फ्रेम तक यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। आपको जायरो EIS का ऑप्शन देखने को मिलता है, पर OIS यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 32 MP की दोस्तों सेल्फी है, इसमें भी आप 4K 30 FPS तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग और 60 फ्रेम में फुल HD तक यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। बात करें सेंसर्स की भाई, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों भाई इसमें आपको जायरो सेंसर वगैरह सारे देखने को मिलते हैं, उसमें कोई डरने की आपको बात है नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ये भी यहाँ पर सैमसंग ने इसमें ऐड कर रखी है। ये था सैमसंग गैलेक्सी A55 के बारे में ओवरव्यू, और बाकी इसका कैमरा टेस्ट जल्दी देखने को आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर।